अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज एक और चिल्ला मुबारक पे हम आए हुए हैं और मैं आपको उन चिल्ला मुबारक पे जो पीर मुर्शिद का चिल्ला मुबारक बनाया गया है उसकी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ और उनकी जो करामतें हैं, यहाँ पे लोग कैसी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होने पर यहाँ पे नियाज की तौर पर क्या तकसीम किया जाता है, मैं आपको उसकी भी जानकारी देता हूँ और मैं आपको उनके चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। और दोस्तों, हम लोग मेमदा पीर बापू और बाला पीर बाबा का जो चिल्ला मुबारक आया हुआ है वहाँ पे हम आ चुके हैं और मैं पहले आपको जो चिल्ला मुबारक आया हुआ है उसकी बाहर से मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह चिल्ला मुबारक की तामीर की गई है। मैं आपको अंदर से चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो चिल्ला मुबारक का गेट है और मैं आपको अंदर से जो पीर मुर्शिद आए हुए हैं उनके चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। ये जो चिल्ला मुबारक आया हुआ है ये पीर मुर्शिद मेमदा पीर बापू का चिल्ला मुबारक है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से उनके चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कर सकते हो और अपनी मुरादें मांग सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे एक और पीर मुर्शिद का चिल्ला मुबारक आया हुआ है। मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से उनके चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। आप मेरे वीडियो के माध्यम से चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कर सकते हो। और ये पीर मुर्शिद का यहाँ गुजराती में नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो बाला पीर बापू। यहाँ मेमदा पीर और बाला पीर बापू का चिल्ला मुबारक बनाया गया है जिसकी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। और यह चिल्ला मुबारक की मैं आपको जो तामीर की गई है उसकी मैं आपको पूरी ज़ियारत कराता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन माशाअल्लाह चिल्ला मुबारक बनाया गया है। और यहाँ पे और यहाँ के जो खादिम हैं अब्दुल शाह फ़कीर, बड़े अहलो अदब से यह चिल्ले मुबारक मेमदा पीर बापू और बाला पीर बापू का जो चिल्ला मुबारक आया हुआ है उसकी बड़े अहलो अदब से यहाँ के खादिम बड़े अहलो अदब से खिदमत करते हैं और यहाँ पे लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ पे लोग अपने पशुओं के बीमार होने के, दूध ना देने के, बीमारी के वजह से यहाँ पे लोग आते हैं और ये पीर मुर्शिद के चिल्ले मुबारक पर आकर अर्ज़ी करते हैं और उनकी मुरादें यहाँ पूरी होती है। और लोग अपने बच्चों की मुरादें लेकर आते हैं और बीमारी की मुरादें लेकर आते हैं और ये जो चिल्ला मुबारक जो पीर मुर्शिद आए हुए हैं उनकी मुरादें पूरी करते हैं। बेशक यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है। मैं आपको एक बार फिर से जो पीर मुर्शिद आए हुए हैं उनके चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। आप मेरे वीडियो के माध्यम से बाला पीर बापू का जो चिल्ला मुबारक आया हुआ है उसकी ज़ियारत कर सकते हो और अपनी मुरादें मांग सकते हो। यह मुरादें पूरी करने वाला दर है और जो बाला पीर बापू के पास ही में चिल्ला आया हुआ है मैं उसकी भी आपको ज़ियारत कराता हूँ। यह पीर मुर्शिद मेमदा पीर बापू का चिल्ला मुबारक आया हुआ है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से के चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कर सकते हो और अपनी मुरादें मांग सकते हो।
और दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह चिल्ला मुबारक बनाया गया है, जो ये चिल्ले मुबारक की तामीर को लगभग 3 साल हो चुके हैं। आपको मैं चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह चिल्ले मुबारक की तामीर की गई है। नौवीं का मुहर्रम का नौवां चांद आता है तो हमारे मेहमदा पीर और बाड़ा पीर के निशान बदले जाते हैं और नजरी नियाज होती है और गांव के लोग कहीं देखने आते हैं उनको नियाज बांटी जाती है और मुहर्रम की और कुछ मातम हमारे बच्चे लोग करते हैं इमाम हुसैन के नाम से। दोस्तों आपने सुना यहाँ के जो खादिम हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो निशान लगे हुए हैं यह मुहर्रम के नौवें चांद को बदले जाते हैं और यहाँ पे नियाज की जाती है और बड़े उल्लास के साथ यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आना हो या पीरो मुर्शिद के चिल्ले मुबारक पे अगर आपको ज़ियारत करने के लिए आना हो तो आप कैसे आ सकते हो, उसके लिए दोस्तों आपको बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के वड़गाम तहसील में रजोसणा गांव आया हुआ है वहाँ पे ये चिल्ला मुबारक आया हुआ है, आप वहाँ पे आ सकते हो और अपनी मुरादें मांग सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।